जन्म हो गया कि अगर पूजे पाठ कराने की बात है, अगर वेदे पढ़ा कर शादी कराने की बात है तो ब्राह्मण ही क्यों, हम क्यों नहीं? दान दक्षिणा करने से वो तो ब्राह्मण के घर भरता है, जो कभी धूप में माने अपना शरीर को निकालता नहीं है कि धूप लग जाएगी। हमारे लोग कमाते कमाते काले कल उठे हो गए, उनके शरीर का चमड़ा माने जल गया, और उनको देखिएगा तो बिना कमाए जो है कि सारा आप जैसे अब श्राद्ध है शादी है वो आएंगे तो सबसे पहले उनको जितना बेहतर चीज है पहले उन्हीं को खिलाइए, और जो इतना परेशान होकर किया उसको बाद में खाना है। बाप रे कैसा विडंबना है समाज के लोगों, दुनिया का ऐसा कोई किताब नहीं है जिसमें लिखा हुआ हो कि देने वाला नीच और लेने वाला ऊंच, लेकिन भारत एक ऐसा देश है और वही आरजू के कारण ही वो ऐसा दिमागी तौर से हमारे लोगों को माने गुलाम बना लिया कि हम देकर भी हमको नीच और कमजोर समझा जाता है, हम देने वाले, जबकि कभी भी कहा जाता है कि देने वाला जो है कि वह महान होता है, दाता होता है, लेकिन हम देकर भी कमजोर और नीच है और हमसे लेकर अपने को ऊंच बना हुआ है। अगर दे भी रहे हैं तो वहां माने तुम मान सम्मान गौरवान्वित होकर कहो कि तुम हमसे ले रहा है, तुम हमारे अनुसार चलो, तुम नीच है, मैं यहाँ तुम्हें देने वाला हूँ, तुम्हारा पालनहार मैं हूँ, हम तुमसे नहीं पलते हैं, हमसे तुम पलता है। कभी भी अपने माँ पिता के मुंह में आग नहीं लगाना चाहिए। अब पिंडदान क्या होता है, हम अपने जीवित अवस्था में माँ पिता का सेवा नहीं करें, मरने के बाद में मिठाई रखे, जीवित अवस्था में माने हमारे दादा दादी माँ पिता पानी के लिए गिलास के लिए कहे तो हम वहाँ डांट दे, और मरने के बाद में हम घंटी में हम पानी रखने जाए, ये कहीं से न्याय संगत बात नहीं है। जो कुछ है इस जीवन में ही है, कोई भी अच्छा काम अपने लिए करते हैं तो उसमें हमारे परिवार का सहयोग होता है, परिवार के योगदान से, परिवार के सपोर्ट से हम किसी भी अच्छे काम को अंजाम देते हैं, न कि वो कोई ब्राह्मण आके हमको घर बनाने में एक तिनका भी देता है क्या, लेकिन घर भोज कराने के लिए हमारे समाज के लोग उस ब्राह्मण को बुलाने जाते हैं, कौन होता है हमारा कराने वाला? अरे मैंने खून पसीना बहा कर कि सब संचय मैंने किया, वो कौन होता है? मैंने घर बनाए हम और प्रवेश कराने में आए थे, एकदम इसका माने वर्जित होना चाहिए कि कौन हमारे घर का वो अंग है ये नहीं है, वो कौन होता है? हमारे इसका मालिक हमारे घर के हर एक परिवार के सदस्य हैं, हर एक सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, और ब्राह्मण का इसमें कहीं से एंट्री नहीं होना चाहिए, कारण कि हमारा वो है ये नहीं है, उसका कोई सहयोग नहीं है। घर में यदि माँ पिता के माने दो संतान हैं, अगर दो संतान में से एक संतान कमा रहा है एक संतान नहीं कमाता तो उसको लोग घर से बाहर करने की बात करता है, और जो हमारे घर बनाने में उसका कहीं से सहयोग नहीं है, एक तिनका भी मैंने नहीं दिया है उसमें इस्तेमाल करने के लिए, वो कौन होता है हमारे घर का आकर माने शुभारम्भ कराने वाला, पूजा पाठ कराने वाला? शराब से यदि माने कुछ हो जाता तो ये हमारे लोग हमारे जो शूद्र वर्ग है ये 1950 के बाद पढ़ाई लिखाई शुरू किए हैं, लेकिन ये शराब तो हमारे देश में जब से है तब से लेकर आए हुए हैं, तो इनकी शराब वहाँ कहाँ चली गई थी जब विदेशी हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे, जब सोमनाथ का मंदिर लुटा रहा था, मुगल आए, अंग्रेज आए, ये सारे जब हमारे देश को लूटने आए तो आज यहाँ माने अपने शराब को लेकर कौन चुनहानी में घुस गए थे? क्यों ना शराब दिए जो शराब माने खत्म हो जाता, उस पर पड़ जाता और हमारे देश में कुछ कर नहीं पाता, जहाँ का था वहाँ चला जाता, ऐसा माने सुने हैं का? उनके शराब से माने विदेशी यहाँ मर गया, उनके शराब से माने जहाँ खड़ा हुआ खड़ा ही रह।